हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.6 तक हमने पढ़ा है HCF, LCM एंड फैक्टर, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सभी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM कैसे फाइंड करें। देखो, रेनू परचेजेस टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने दो बैग परचेज किए हैं और उनके अंदर जो वेट है वो कितना है, 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कि दोनों के अंदर जो वेट है वो फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स की दोनों में सेम नंबर पे रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जब भी हमारे से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम आपसे पूछ लेता है तो हमारे पास क्या निकाल लेंगे हम, HCF। HCF हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए हमारे पास जब भी कोई चीज़ लॉन्गेस्ट पूछ लेता है, हाईएस्ट पूछ लेता है या मैक्सिमम बोल देता है तो हमें क्या निकालना है, HCF। और जब भी आपसे कोई बात मिनिमम पूछ लेता है या लिस्ट पूछ लेता है आपसे या लिटिल ऐसे पूछ लेता है तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, LCM। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के अंदर सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं तो दो हमारे पास नंबर है 75 kg एंड 69 kg। इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट फाइंड करना है टू फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69। उसके लिए हम 75 एंड 69 का HCF फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 75, 3 × 5 × 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 69, 3 × 23। अब इन दोनों के अंदर हम HCF में क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, ओनली 3। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। देन द मैक्सिमम वेट इज 3 kg। तो हमारे पास मैक्सिमम वेट कितना होगा फर्टिलाइजर का, नंबर ऑफ टाइम्स 3 kg। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। तीन बॉयज स्टेप रख रहे हैं हमारे, देर स्टेप्स मेजर, उनके जो स्टेप्स हैं वो मेजर किए गए, वो नोट किए गए हैं। 63 cm है, 70 cm एंड 77 cm। वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेप्स, कि वो मिनिमम हमारे पास से क्या पूछ रखा, वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करो ईच शुड कवर, जिसको हर एक कवर कर दे, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन टाइम कंप्लीट स्टेप्स, और कंप्लीट स्टेप्स में कवर करें। ठीक है, उसके लिए जब हमारे पास मिनिमम पूछ रखा है तो हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। वी हैव टू फाइंड LCM। LCM फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 63, 70, 77। सबसे पहले हमने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 63, 7 10 जा 77, 11 77। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अभी किसी एक के टेबल में नहीं आता तो अलग अलग करते रहेंगे, 9 से कर देंगे, 9 से कर दिया 9 1 जा 9, 10 और 11 एज इट इज रहेगा, फिर 10 से कर देंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है, 10 1 जा 10 और 11 एज इट इज, फिर इसको 11 से कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1 1 1। जब तक हमारे पास यहाँ 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब इन सभी नंबर्स को, जो भी हमारे पास मल्टीपल्स हैं, उन सभी को लिखेंगे 7 × 9 × 10 × 11। ये हमारे पास क्या आया, 6930 cm। Therefore, the minimum distance is, तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, 6930 cm। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, एक रूम की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है 825 cm, 675 cm, 450 cm। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, हमें क्या पूछ रखा है, लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली।
हमें कितनी बड़ी टेप की ज़रूरत है कि हर पूरी की पूरी विच कैन मेज़र, जो मेज़र कर सकते हैं द थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन को ऑफ द रूम में, एग्जैक्टली उस रूम की एग्जैक्टली तीनों डायमेंशंस को जो मेज़र कर सकती हैं। उसके लिए हमें क्या फाइंड करेंगे? अब हमारे से लॉन्गेस्ट पूछ रखा है, मैक्सिमम पूछ रखा है, लॉन्गेस्ट पूछ रखा है, तो हम क्या करते हैं हमेशा एच सी एफ फाइंड करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड एच सी एफ। एच सी एफ निकालने के लिए हमारे पास इन तीनों के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 825 क्या आ जाएगा, 3 × 5 × 5 × 11। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 675, 3 × 5 × 5 × 3 × 3। एंड नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 450, 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इन सभी में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो इसमें हमारे पास 2 है बट इन दोनों में 2 नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 3 3। तो सभी में से एक हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 5 5 5, भी सभी के अंदर एक 5 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास 5 5 5, एक बार फिर से 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार 3 2 times 5, 3 5 जा 15 15 5 जा 75। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट स्टेप कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटे से छोटा 3-डिजिट नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12। हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जो 6, 8 and 12 तीनों से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट पूछ रखा है हमारे से, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, तीनों का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। जब भी हमारे से किन्हीं भी 3 नंबर से 4 नंबर से ऐसे पूछ लेता है कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करो जो इन सभी से डिविजिबल है, तो हम हमेशा एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें ये नहीं देखना है कि स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, लार्जेस्ट पूछ रखा है, उसके अंदर सिर्फ हमें ये देखना है कि जब सभी का कोई भी कॉमन हमारे पास पूछ रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है उसमें, एलसीएम। इसके लिए हमारे पास एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12। अब हम बनाएंगे 6, 8 and 12 के लिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये भी हो गया हमारे पास। तो अब 3 4 6 आ गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे, अब 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारे पास क्या आया, 3 2 2, फिर 2 से कर दिया तो 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज। फिर 3 से करेंगे, 1 1 1। अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारे पास क्या है, वो नंबर 24 द स्मॉलेस्ट। अब हमारे पास है स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, 99 तक तो जो हमारे पास डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 2-डिजिट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 100, जिसके अंदर कितने डिजिट आते हैं, 3-डिजिट। तो हमारे पास सबसे छोटा 3-डिजिट नंबर क्या है, 100 बाई 24। हमें वो नंबर निकालना है जो 24 से डिविजिबल है, लेकिन अगर हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, 24 4 जा 96 प्लस 400 के इक्वल आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अगर 24 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या कितना बचा, 4। अब रिमाइंडर 4 बचा तो उस 4 को माइनस कर देंगे 24 में से, और 6 पे हो जाएगा 100 प्लस 24 माइनस 4 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 120। हमारे पास वो नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है, ठीक है, 6, 8 and 12 तीनों नंबर से। नेक्स्ट है डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर, हमें वो बड़े से बड़ा 3-डिजिट नंबर निकालना है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 and 12, जो 8, 10 और 12 तीनों से डिविजिबल है। अब 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। फिर 3 से करेंगे, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 जा 3। फिर 5 से कर देंगे, 1 1 1। ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, 2
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, करेंगे टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर फाइव जा 120। हमारे पास 120 ऐसा डिजिट है जो इन तीनों से डिविजिबल है और वो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। अब उससे बड़ा, अब मैं तो क्या देखना, लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा। अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट अगर हम देखते हैं, सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 999999। अगर हम इसको 120 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाता है, 8 पे जाता है। 8 क्यू 12 की मल्टीप्लाई 96, ये आ जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा, 39। अब टोटल में से 39 माइनस कर दिया हमने, क्या आया, 960। तो हमारे पास वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, 960 हमारे पास वो नंबर है जो 8, 10 एंड 12 तीनों से डिविजिबल है एंड थ्री डिजिट नंबर है। आज हमारा यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।